उन्होंने यहाँ पे खन्ना जी के बजट भाषण में शेरू शायरी पर भी काफी टिप्पणी की। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरो शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे ये भुजदंड। महोदय, कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी, साजिश करता की फोटो वायरल हो रही थी कल। और कोई उससे भाग भी नहीं सकता है। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं, मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी, आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी।